वेलकम स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में आप जानेंगे GTU डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के थर्ड सेमेस्टर के डिटेल्ड सिलेबस के बारे में। मैं आपको GTU की वेबसाइट पे जाके आप खुद इस सिलेबस को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं वो बताऊंगा। पहले हम ये जान ले कि एक सिलेबस से हमें क्या क्या जानकारियां मिलती है। फर्स्ट सेमेस्टर में कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं आपको, वो जानकारी आप ले सकते हो। उसके अलावा हर सब्जेक्ट के लिए GTU ने पर वीक जो लेक्चर लैब का शेड्यूल बनाया है वो आप जान सकते हो। ये जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जितने भी लेक्चर या लैब आप एक वीक में स्टडी करते हो उसके हिसाब से उस सब्जेक्ट की क्रेडिट डिसाइड होती है। और ये जो सब्जेक्ट्स की क्रेडिट होती है उस पर से आपका लास्ट में SPI जो रिजल्ट में डिक्लेयर होता है वहां पे उसका कैलकुलेशन होता है। उसके अलावा हर कोई सब्जेक्ट का डिटेल्ड कोर्स करिकुलम, यानी कि उस सब्जेक्ट में आपको कौन से यूनिट्स पढ़ने हैं, हर कोई यूनिट्स में कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, कौन से प्रैक्टिकल कर सकते हैं आप, कौन सी रेफरेंस बुक्स आपको यूज करनी होती है या कौन से सॉफ्टवेयर्स आप यूज कर सकते हो, ये सारी जानकारियां आपको सिलेबस से मिलती है। और फाइनली उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के पढ़ने के बाद आप में कौन सी एबिलिटीज डेवलप्ड होनी चाहिए, सबसे पहले वो जानकारी को भी आपको GTU की वेबसाइट ओपन करनी है। GTU की वेबसाइट में ऊपर मेनू जो लिस्ट है वहां से आपको सिलेबस को सिलेक्ट करना है। उसके बाद एक लिस्ट आएगा जिसमें फोर्थ ऑप्शन डिप्लोमा इंजीनियरिंग को सिलेक्ट करना है। और उसके बाद आपको एक लिस्ट मिलेगी जिसमें न्यू डिप्लोमा सिलेबस को क्लिक करना है। उसके बाद ये जो लिस्ट है उसमें आपको डिप्लोमा थर्ड सेमेस्टर पे क्लिक करना है। तो आपके सामने एक डाउनलोड का ऑप्शन आएगा जिससे कि आप एक PDF डाउनलोड करोगे जिसमें इंजीनियरिंग के हर कोई ब्रांच के डिप्लोमा थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस होगा, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के थर्ड सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का ब्रांच कोड है 9। तो ये है आपके सामने थर्ड सेमेस्टर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस का व्यू। तो फर्स्ट सब्जेक्ट है AC सर्किट्स, जिसके वीक में 3 लेक्चर होंगे, 2 आवर्स ट्यूटोरियल होगा एंड 2 आवर्स प्रैक्टिकल। टोटल आपके वीक में आवर्स होंगे 7, इसीलिए AC सर्किट्स क्रेडिट है 7। ऐसे ही सेकेंड सब्जेक्ट DC मशीन एंड ट्रांसफॉर्मर, जिसके वीक में 4 लेक्चर होंगे और 4 आवर्स प्रैक्टिकल। ऐसे वीक में टोटल 8 आवर्स स्टडी करना है जिसकी क्रेडिट होगी 8। थर्ड सब्जेक्ट इज इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, जिसके वीक में 4 लेक्चर होंगे और 2 आवर्स प्रैक्टिकल, जिसकी क्रेडिट होगी 6। फोर्थ सब्जेक्ट है EPG इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन, जिसके वीक में लेक्चर होंगे 4 और 2 आवर्स ट्यूटोरियल, टोटल क्रेडिट होगी 6। और फिफ्थ सब्जेक्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स एंड सर्किट्स, जिसके वीक में लेक्चर होंगे 4 और 2 आवर्स प्रैक्टिकल, टोटल क्रेडिट होगी 6। तो ये हुई टीचिंग स्कीम के बारे में बात। अभी हम देखेंगे एग्जामिनेशन स्कीम। तो थियरी मार्क्स और प्रैक्टिकल मार्क्स
ये दो पार्ट में डिवाइड है एग्जामिनेशन स्कीम, और दोनों में ESE और PA दो सेक्शन है। ESE होता है एंड सेमेस्टर एग्जाम, और PA होता है प्रोग्रेसिव असेसमेंट। थियरी मार्क्स में जो ESE है, जो हर कोई सब्जेक्ट में 70 मार्क्स की है, वो है आपकी GTU की फाइनल एग्जाम। और थियरी मार्क्स में जो PA है, जो 30 मार्क्स है हर कोई सब्जेक्ट में, वो आपके मिड सेमेस्टर एग्जामिनेशन के मार्क्स होंगे। प्रैक्टिकल मार्क्स में जो ESE है, जिसमें हर एक सब्जेक्ट में अलग अलग कुछ मार्क्स हैं, जैसे ACC में 20 है, DCMT में 40 है, EI में 20 है और ECNC में 20 है, तो ये आपके प्रैक्टिकल के एंड सेमेस्टर एग्जाम के मार्क्स होंगे, जो सेमेस्टर के एंड में एग्जाम होगी प्रैक्टिकल की उसके। और प्रैक्टिकल मार्क्स में जो PA सेक्शन है, वो आपका लैब में जो प्रोग्रेसिव असेसमेंट होगा उसके मार्क्स होंगे। तो ये टीचिंग स्कीम और एग्जामिनेशन स्कीम हमने देखी। अभी हर कोई सब्जेक्ट के डिटेल्ड करिकुलम कोर्स में हम जाएंगे। सबसे पहले AC सर्किट का डिटेल्ड कोर्स करिकुलम देखने के लिए उसके कोर्स कोड 3330901 पे क्लिक करेंगे। जी हाँ, तो यहाँ पे आपके सामने एक PDF फाइल डाउनलोड होगी, जिसमें AC सर्किट्स का कोर्स करिकुलम दिया है। सबसे पहले ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ना चाहिए, उसकी डिटेल दी हुई है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है वो बताया गया है। मोस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूटिलाइजेशन आर इन द फॉर्म ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट, देयरफॉर इट इज एसेंशियल फॉर एवरी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर टू नो द बिहेवियर ऑफ रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस एंड रिलेटेड कंसेप्ट्स इन AC सर्किट्स। दिस कोर्स इज नॉट ओनली अ प्रीरिक्विजाइट टू लर्न द एडवांस्ड इलेक्ट्रिकल कोर्सेस एंड डेवलप द स्किल्स, बट ऑल्सो एनेबल द स्टूडेंट्स टू अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ AC सर्किट्स टू ट्रबल शूट इलेक्ट्रिकल सर्किट्स इन इंडस्ट्रीज और पावर सिस्टम। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कोर इंजीनियरिंग कोर्सेज फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, एंड हेंस स्टूडेंट्स शुड ट्राई टू डेवलप मास्टरी ओवर कंसेप्ट्स ऑफ AC सर्किट्स फॉर इफेक्टिव वर्किंग एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। तो स्टूडेंट्स, ये सब्जेक्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे आपने सेकेंड सेमेस्टर में DC सर्किट्स पढ़ा है, तो यहाँ पे आपको AC सर्किट्स पढ़ना है। AC जो सिस्टम है ऑल्टरनेटिंग करंट की, उसके सारे डिफरेंट पैरामीटर्स के बारे में आपको जानकारी लेनी है। नेक्स्ट, इसमें टीचिंग स्कीम फिर से ब्रीफ किया हुआ है पर्टिकुलर इस सब्जेक्ट का, और ये है आपके सामने लिस्ट ऑफ यूनिट्स, जो 5 यूनिट्स आपको ये सब्जेक्ट में स्टडी करने हैं। फर्स्ट यूनिट है AC फंडामेंटल्स, उसके बाद में मेजर लर्निंग आउटकम्स की जो कॉलम दिख रही है, यहाँ पे ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ पॉइंट्स हैं विच विल बी आंसर्ड आफ्टर द स्टडी ऑफ दिस यूनिट। यानी कि ये सारे क्वेश्चंस के आप आंसर कर पाओगे इस यूनिट के स्टडी के बाद। और थर्ड कॉलम में जो आपको टॉपिक्स एंड सब टॉपिक्स दिया हुआ है, यहाँ पे आपको बताया है कि AC फंडामेंटल यूनिट में आपको कौन से टॉपिक स्टडी करने हैं। फर्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ जनरेटिंग एन ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज, सेकंड साइकिल, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, फेज एंड फेज डिफरेंस, एवरेज वैल्यू, RMS वैल्यू, फॉर्म फैक्टर, पीक फैक्टर एंड पावर फैक्टर। उसके बाद थर्ड टॉपिक है वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटीज, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो ये हुआ आपका फर्स्ट यूनिट AC फंडामेंटल्स। सेकेंड यूनिट है AC सीरीज सर्किट्स, जिसमें पूरा आपका लर्निंग आउटकम क्या होगा उसका यहाँ पे लिस्ट दिया हुआ है, और थर्ड कॉलम में आपको उसमें कौन से टॉपिक स्टडी करने हैं। फर्स्ट है वेवफॉर्म्स, फेजर डायग्राम एंड एक्सप्रेशन ऑफ वोल्टेज,
current and power in pure resistance, inductance and capacitance circuits. Second topic है AC through RL, RC, LC, RLC series circuit. And third topic है resonant frequency and resonance condition in RLC series circuit. थर्ड यूनिट है AC parallel circuits, जिसमें अगेन सेकेंड कॉलम में ऐसे कुछ questions हैं जिसके आंसर आप कर पाओगे इस यूनिट के स्टडी के बाद. और थर्ड कॉलम में जो टॉपिक सब टॉपिक्स है उसमें फर्स्ट है सॉल्यूशन ऑफ एसी आरएल आरसी एलसी एंड आरएलसी पैरेलल सर्किट्स यूजिंग फेजर मेथड. सेकंड सॉल्यूशन ऑफ एसी आरएल आरसी एलसी एंड आरएलसी पैरेलल सर्किट्स यूजिंग एडमिटेंस मेथड. थर्ड टॉपिक है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एंड रेजोनेंस कंडीशन इन पैरेलल सर्किट्स. फोर्थ टॉपिक है न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन एसी पैरेलल सर्किट्स एंड पैरेलल रेजोनेंस. फोर्थ यूनिट स्टूडेंट्स है वो है पॉलीफेज सर्किट्स, जिसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर आप कर पाओगे आफ्टर द स्टडी ऑफ दिस टॉपिक. और इसमें कौन से टॉपिक स्टडी करने हैं आपको, फर्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ जनरेशन ऑफ थ्री फेज ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज, सेकेंड लाइन एंड फेज वोल्टेज, लाइन एंड फेज करंट, सिंगल एंड थ्री फेज सर्किट्स, थ्री फेज स्टार कनेक्शन, थ्री फेज डेल्टा कनेक्शन. एंड लास्ट यूनिट है पावर इन एसी सर्किट्स, जिसमें कुछ क्वेश्चन है जिसके आंसर आप कर पाओगे इस टॉपिक के स्टडी के बाद. और टॉपिक्स आपको स्टडी करने हैं वो है एक्टिव रिएक्टिव एपरेंट पावर विथ एग्जांपल्स, लैगिंग लीडिंग पावर एंड यूनिटी पावर फैक्टर, एंड लास्ट इफेक्ट्स ऑफ पुअर पावर फैक्टर. तो ये हुआ पूरे सब्जेक्ट में यूनिट्स और उसके अंदर आने वाले टॉपिक्स और सब टॉपिक्स का ब्रीफ. जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे नेक्स्ट जो आपको एक टेबल दिख रहा है जिसमें हर एक 5 यूनिट के कितने अप्रोक्सीमेट टीचिंग आवर्स होंगे और कितने मार्क्स इसमें से कवर होंगे आपके फाइनल GTU एग्ज़ाम जो 70 मार्क की होने वाली है, उसका यहाँ पे एक सजेशन दिया हुआ है. जैसे एसी फंडामेंटल्स 16 मार्क्स, एसी सीरीज सर्किट्स 18 मार्क्स, एसी पैरेलल सर्किट्स 14 मार्क्स, पॉलीफेज सर्किट्स 14 एंड लास्ट पावर इन एसी सर्किट्स 8 मार्क्स, तो जिसके टोटल हुए 70 मार्क्स. और उसमें भी आपको ब्रीफ दिया हुआ है कि आर लेवल, यू लेवल और ए लेवल में कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है. यहाँ पे R फॉर रिमेंबर, U फॉर एक्सप्लेन और A फॉर अप्लाई एंड अबोव लेवल्स का लेजेंड्स नीचे दिया हुआ है. और उसके बाद कुछ प्रैक्टिकल्स के सजेशंस दिए हुए हैं और उसके साथ यूनिट नंबर भी मेंशन्ड है. जैसे कि फर्स्ट यूनिट नंबर 1 के लिए आपके पास है यूज CRO टू मेजर पीक वैल्यू, RMS वैल्यू, पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी. यानी इस प्रैक्टिकल के बाद आपको यूनिट 1 के कंसेप्ट में बहुत अच्छा कमांड आ सकता है. ऐसे ही यूनिट 2 के लिए कुछ प्रैक्टिकल्स का सजेशन है, यूनिट 3 के लिए है, यूनिट 4 के लिए और यूनिट 5 के लिए हमें प्रैक्टिकल एक्सपोजर क्या होना चाहिए उसका यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है. उसके बाद कुछ सजेस्टेड लिस्ट ऑफ स्टूडेंट एक्टिविटीज, आप क्या क्या डिफरेंट एक्टिविटी कर सकते हो उसके बारे में है. और स्पेशल इंस्ट्रक्शन स्ट्रेटेजी स्टूडेंट के लिए क्या होनी चाहिए और रेफरेंस के लिए कुछ बुक्स यहाँ पे है. उसके अलावा आपकी लैब में आप क्या क्या इंस्ट्रूमेंट विथ स्पेसिफिकेशन देख सकते हो उसकी यहाँ पे लिस्ट दी हुई है. लिस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर और लर्निंग वेबसाइट्स भी यहाँ पे है. ठीक है, तो इस तरीके से हम ACC जो हमारा सब्जेक्ट है फर्स्ट थर्ड सेमेस्टर डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में उसका हमने डिटेल्ड सिलेबस देखा. सेकंड सब्जेक्ट इज DCMT, उसका डिटेल्ड करिकुलम जानने के लिए हम उसका कोड जो है 3330902 पे क्लिक करेंगे. तो अगेन उसका एक PDF फाइल डाउनलोड होगा. तो सबसे पहले DCMT, DC मशीन्स एंड ट्रांसफॉर्मर्स की का इम्पोर्टेंस क्या है.
This course deals with single phase transformer and DC machines, which are widely used in power systems, industries and commercial applications. This course will enable the students to develop skills to select, install, operate and maintain various types of DC machines and transformers. Practical aspects of the course will make the students capable of performing various tests on these machines. It is therefore very important for every electrical engineer to learn this course if he or she wants to excel in his or her professional life. तो जी हाँ फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंस बताया गया है, जिसमें स्पेशली आपको सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर और डीसी मशीन यानी कि डीसी मोटर और डीसी जनरेटर के बारे में डिटेल्ड स्टडी करना है। उसके बाद टीचिंग स्कीम पर्टिकुलरली इस सब्जेक्ट की बताई हुई है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे मैं बता दूँ कि ये सब्जेक्ट की क्रेडिट बाकी सब्जेक्ट से सबसे ज़्यादा है, जो 8 आवर्स हैं। और उसके बाद कोर्स डिटेल्स, इसमें भी आपको टोटल 5 यूनिट्स स्टडी करने हैं। फर्स्ट यूनिट जो है वो है एनर्जी कन्वर्जन प्रिंसिपल्स, उसके मेजर लर्निंग आउटकम्स हैं और टॉपिक्स हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, रोल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड यूजेस, इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी, कन्वर्जन प्रिंसिपल एंड EMF, सिंगली एक्साइटेड एंड डबली एक्साइटेड इलेक्ट्रिकल मशीन्स। यूनिट 2 जो है डीसी जनरेटर्स, जिसके मेजर आउटकम्स आपके सामने हैं और उसमें टॉपिक्स हैं कंस्ट्रक्शन एंड मटेरियल्स यूज्ड फॉर वेरियस पार्ट्स ऑफ डीसी जनरेटर, फंक्शंस ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ डीसी जनरेटर, EMF इक्वेशन ऑफ डीसी जनरेटर, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डीसी जनरेटर, सिंप्लेक्स लैप एंड वेव वाइंडिंग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीसी जनरेटर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेरियस टाइप्स डीसी जनरेटर्स, एफिशिएंसी एंड लॉसेस ऑफ डीसी जनरेटर, आर्मेचर रिएक्शन एंड इट्स इफेक्ट्स एंड कम्यूटेशन। थर्ड यूनिट है डीसी मोटर्स, जिसके मेजर लर्निंग आउटकम्स आपके सामने हैं और इसमें टॉपिक्स और सब टॉपिक्स होंगे वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डीसी मोटर, बैक EMF, टॉर्क इक्वेशन फॉर डीसी मोटर, नीड डीसी मोटर स्टार्टर्स, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ डीसी मोटर स्टार्टर्स, सीरीज शंट एंड कंपाउंड डीसी मोटर्स, परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी सीरीज शंट एंड कंपाउंड मोटर, स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर, लॉसेस इन डीसी मोटर्स एंड इट्स कंप्यूटेशन, ब्रेक टेस्ट, स्विनबर्न्स टेस्ट, फील्ड टेस्ट, एप्लीकेशंस ऑफ डीसी सीरीज शंट एंड कंपाउंड मोटर। फोर्थ यूनिट है सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर्स, जिसके मेजर लर्निंग आउटकम्स आपके सामने हैं और टॉपिक्स एंड सब टॉपिक्स हैं सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर, वर्किंग प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, मटेरियल्स यूज्ड फॉर डिफरेंट पार्ट्स, EMF इक्वेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, कोर एंड शेल टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स, फेजर डायग्राम फॉर लोड एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड्स, लॉसेस इन ट्रांसफॉर्मर, आयरन लॉस, कॉपर लॉस, हिस्टेरेसिस लॉस एंड एडी करंट लॉस, एफिशिएंसी कंडीशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर, वोल्टेज रेगुलेशन, इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर। और फिफ्थ एंड लास्ट यूनिट है टेस्टिंग ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर्स, और उनके मेजर आउटकम्स आपके सामने हैं और इसमें टॉपिक्स एंड सब टॉपिक्स हैं डायरेक्ट लोड टेस्ट, OC एंड SC टेस्ट एंड सम्पनर टेस्ट अलोंग विथ कनेक्शन डायग्राम्स, एफिशिएंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर, डेरिवेशन ऑफ इक्विवेलेंट सर्किट एंड इट्स रिलेटेड पैरामीटर्स, नीड ऑफ पैरेलल ऑपरेशन, एसेंशियल एंड डिजायरेबल कंडीशंस फॉर पैरेलल ऑपरेशन, पैरेलल ऑपरेशन एंड लोड शेयरिंग ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ ऑटो ट्रांसफॉर्मर, वेल्डिंग ट्रांसफॉर्मर। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे पूरा 5 यूनिट के टॉपिक्स सब टॉपिक्स हमने देख लिए हैं और ये आपके सामने मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। जैसे फर्स्ट यूनिट है एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल्स, जिसका वेटेज हम बोल सकते हैं 4 मार्क्स है GTU की फाइनल 70 मार्क्स की एग्जाम में। डीसी जनरेटर्स, जिसका वेटेज अप्रोक्सीमेट वेटेज है 18 मार्क्स, डीसी मोटर्स जिसका वेटेज होगा 18 मार्क्स का, सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर्स जिसका वेटेज होगा 20 मार्क्स का,
और टेस्टिंग ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर्स, इसका वेटेज होगा 10। और यहाँ पे भी आपको ये मार्क डिस्ट्रीब्यूशन आर रिमेंबर यू अंडरस्टैंड ए फॉर अप्लाई, इस डिफरेंट कैटेगरी में मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन बताया गया है। इसके अलावा लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल्स आपको सजेस्ट किए गए हैं और उनके साथ कौन से यूनिट नंबर से वो रिलेट करते हैं वो भी इसमें बताया गया है। और लिस्ट ऑफ स्टूडेंट एक्टिविटीज का सजेशन यहाँ पे है, स्पेशल इंस्ट्रक्शन स्ट्रेटेजीज, और उसके अलावा यहाँ पे रेफरेंस बुक्स का एक लिस्ट है। आप लैब में कौन से इक्विपमेंट देख सकते हो विथ स्पेसिफिकेशन यहाँ बताया गया है। लिस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर एंड लर्निंग वेबसाइट्स दी हुई है। तो ये हुआ आपका करिकुलम कोर्स फॉर DCMT, DC मशीन एंड ट्रांसफॉर्मर। नेक्स्ट जो थर्ड सब्जेक्ट है दैट इज इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, तो उसके कोर्स कोड 333-0903 पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक PDF डाउनलोड होगा जिसमें सबसे पहले ये सब्जेक्ट इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन का इम्पोर्टेंस बताया गया है। प्रिसाइज मेजरमेंट ऑफ द क्वांटिटीज सच एज वोल्टेज, करंट, पावर, टेम्परेचर, प्रेशर एक्सेट्रा इज एसेंशियल टू ऑपरेट एंड मेंटेन द इलेक्ट्रिकल मशीन्स एंड सिस्टम्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। ट्रांसड्यूसर्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स आर द डिवाइसेस व्हिच आर यूज्ड टू मेजर सच पैरामीटर्स। द इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा इंजीनियर शुड देयरफॉर बी कॉम्पिटेंट टू यूज, कैलिब्रेट एंड मेंटेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम्स एंड ट्रांसड्यूसर्स यूज्ड इन द इंडस्ट्री एंड पावर सिस्टम्स। This demands a better understanding of the construction material used and principle of operation of various types of measuring instruments. This course is therefore designed to meet these needs and hence it is a core course for any electrical engineer. जी फ्रेंड्स, तो ये सब्जेक्ट में आपको इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में, मेजरमेंट के बारे में, ट्रांसड्यूसर्स के बारे में डिटेल में पढ़ना है। यहाँ पे पर्टिकुलर इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन की टीचिंग स्कीम बताई हुई है और कोर्स डिटेल्स, जिसमें फिर से टोटल यूनिट्स हैं आपके 5। और फर्स्ट यूनिट है दैट इज़ फंडामेंटल्स ऑफ मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, जिसके मेजर लर्निंग आउटकम्स आपको सेकेंड कॉलम में दिख रहे हैं और टॉपिक्स एंड सब टॉपिक्स हैं। मेथड्स ऑफ मेजरमेंट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड्स, टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, इंडिकेटिंग, इंटीग्रेटिंग एंड रिकॉर्डिंग, एब्सोल्यूट एंड सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट, रिफ्लेक्टिंग, कंट्रोलिंग एंड डैम्पिंग टॉर्क्स, रेंज, ट्रू वैल्यू, इंडिकेटेड वैल्यू, करेक्शन, सेंसिटिविटी, रिपीटेबिलिटी, रिप्रोड्यूसिबिलिटी, प्रिसीजन, एक्यूरेसी, सिग्निफिकेंट फिगर्स एक्सेट्रा, टाइप्स एंड सोर्सेज ऑफ एरर, ग्रॉस एरर, सिस्टमेटिक एरर, रैंडम एरर। यूनिट 2 जो है पोटेंशियोमीटर्स एंड ब्रिजेस, जिसके मेजर लर्निंग आउटकम्स आपको सेकेंड कॉलम में दिख रहे हैं और टॉपिक्स एंड सब टॉपिक्स हैं। कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ DC पोटेंशियोमीटर एंड इट्स एप्लीकेशंस, डायल टाइप एंड क्रोम्पटन टाइप, लो, मीडियम एंड हाई रेजिस्टेंस केल्विन्स डबल ब्रिज, मीडियम रेजिस्टेंस बाय वेस्टर्न ब्रिज, एमीटर वोल्टमीटर मेथड, ओममीटर, हाई रेजिस्टेंस बाय मेगर, अर्थ रेजिस्टेंस बाय अर्थ टेस्टर, मेजरमेंट ऑफ इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस बाय यूनिवर्सल इम्पीडेंस ब्रिज, AC ब्रिज, मैक्सवेल, एंडरसन, हेज, DSOT एंड वेन्स ब्रिज। थर्ड यूनिट जो है दैट इज इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स, जिसके मेजर लर्निंग आउटकम्स आपको सेकेंड कॉलम में दिखाई देंगे, जिसको आप पोज करके देख सकते हो। और टॉपिक्स एंड सब टॉपिक्स जो हमें स्टडी करने हैं वो है कॉमन एरर्स इन इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट्स, एमीटर वोल्टमीटर, PMMC इंस्ट्रूमेंट्स, एमीटर वोल्टमीटर, वाइब्रेशन गैल्वेनोमीटर,
इलेक्ट्रो डायनामोमीटर टाइप मीटर, एमीटर, वोल्टमीटर, वाटमीटर, पावर फैक्टर मीटर, इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर, सिंगल फेज, थ्री फेज, हॉट वायर टाइप इंस्ट्रूमेंट्स, फ्रीक्वेंसी मीटर, ट्राई वेक्टर मीटर, मैक्सिमम डिमांड मीटर, फेज सीक्वेंस इंडिकेटर, सॉलिड स्टेट एनर्जी मीटर, क्लिप ऑन मीटर, एक्सटेंशन ऑफ रेंज यूजिंग शंट मल्टीप्लायर्स एंड डिराइव इक्वेशन फॉर देम, एक्सटेंशन ऑफ रेंज ऑफ मीटर्स यूजिंग इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर लाइक सीटी एंड पीटी। यूनिट 4 वो है कैलिब्रेशन एंड टेस्टिंग, जिसके मेजर लर्निंग आउटकम्स आपको सेकेंड कॉलम में दिखाई देंगे और टॉपिक्स एंड सब टॉपिक्स है कैलिब्रेशन एंड इट्स इम्पोर्टेंस, कैलिब्रेशन ऑफ एमीटर, वोल्टमीटर एंड वाटमीटर एंड सिंगल फेज एनर्जी मीटर अलोंग विद एडजस्टमेंट्स एज पर IS। यूनिट 4 है ट्रांसड्यूसर्स, जिसके मेजर लर्निंग आउटकम्स आपको सेकेंड कॉलम में दिखाई देंगे और टॉपिक्स एंड सब टॉपिक्स हैं बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ ट्रांसड्यूसर्स, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ट्रांसडक्शन फेनोमेना, टाइप ऑफ एप्लीकेशन, टाइप्स ऑफ इनपुट एंड आउटपुट सिग्नल, इलेक्ट्रिकल प्रिंसिपल इन्वॉल्व्ड, रेजिस्टिव ट्रांसड्यूसर्स, इंडिकेटिव ट्रांसड्यूसर्स, LVDT, RVDT, कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर्स, पीजोइलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर्स, स्ट्रेन गेज ट्रांसड्यूसर्स, अनबॉन्डेड एंड बॉन्डेड, थर्मोकपल, RTD, थर्मिस्टर एंड सेमीकंडक्टर सेंसर्स, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, फोटो एमिसिव सेल्स, फोटो कंडक्टिव सेल्स, फोटो डायोड, फोटो ट्रांजिस्टर, फोटो वोल्टेइक सेल्स, फोटो ऑप्टिक ट्रांसड्यूसर। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे 5 यूनिट का डिटेल्ड हमने टॉपिक सब टॉपिक वाइज डिस्क्रिप्शन देखा। नेक्स्ट आपके सामने जो टेबल है, जो इस पांचों पांच यूनिट का मार्क डिस्ट्रीब्यूशन हमें बताता है, जैसे फर्स्ट यूनिट फंडामेंटल्स ऑफ मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, जिसका वेटेज आपकी GTU की 70 मार्क की फाइनल एग्जाम में हो सकता है 9 मार्क्स का, पोटेंशियोमीटर्स एंड ब्रिजेस का है 14 मार्क्स, थर्ड यूनिट इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स, जिसका वेटेज हो सकता है 21 मार्क्स का, फोर्थ कैलिब्रेशन एंड टेस्टिंग, जिसका वेटेज 5 मार्क्स, एंड लास्ट ट्रांसड्यूसर्स, जिसका वेटेज 21 मार्क्स, ऐसे टोटल 70 मार्क का हमें यहाँ पे यूनिट वाइज मार्क डिस्ट्रीब्यूशन बताया गया है। और नीचे यहाँ पे प्रैक्टिकल की लिस्ट है और उसके साथ यूनिट नंबर दिए हुए हैं, जिससे कि आप उस यूनिट की स्टडी को और अच्छे से प्रैक्टिकली समझ सकते हैं। नीचे सजेस्टेड लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स और लिस्ट ऑफ बुक्स, रेफरेंस बुक्स बताई गई है, कुछ इक्विपमेंट विथ स्पेसिफिकेशन दिए हुए हैं। कुछ सॉफ्टवेयर और लर्निंग वेबसाइट्स की लिस्ट है यहाँ पे। तो इस हिसाब से यहाँ पे थर्ड सब्जेक्ट इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन का कोर्स करिकुलम हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट फोर्थ सब्जेक्ट, जिसका कोर्स कोड है 3330904, वो है इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन। तो उसके कोर्स कोड पे क्लिक करते ही एक PDF डाउनलोड होगी। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन का इम्पोर्टेंस क्या है। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्टिविटी इन पावर सिस्टम, विथ ग्रोइंग डिमांड फॉर इलेक्ट्रिक पावर एट वन हैंड एंड डिप्लीटिंग फॉसिल फ्यूल्स रिसोर्सेज, इट हैज बिकम मोर नेसेसरी टू जनरेट इलेक्ट्रिक पावर मोर एफिशिएंटली एंड विद द हेल्प ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। With advancement in technology, it has become possible to generate electric power commercially using wind and solar energy. This course therefore deals in detail about generation of electrical power using thermal, hydro, nuclear, solar, wind, diesel and other renewable energy sources. These types of power plants need highly skilled technicians who are capable of operating various control equipment to supply uninterrupted power.
This course attempts to develop the basic cognitive skills required to take appropriate decisions to maintain the various generating and auxiliary equipment of power plants. Moreover, the safety precautions required to be followed by the engineering diploma holders in various power plants is also included in this course. जी स्टूडेंट्स, तो ये कोर्स, ये जो इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन है जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ पावर स्टेशंस, थर्मल, न्यूक्लियर, हाइड्रो, सोलार, विंड, डीजल के बारे में आपको उसका लेआउट और उसका वर्किंग की जानकारी मिलेगी. इसके अलावा इस सब्जेक्ट में आपको कुछ जो इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन के रिलेटेड कुछ जो न्यूमेरिकल्स हैं उसका भी आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिलेगा. टीचिंग स्कीम बताई हुई है और उसके बाद कोर्स डिटेल, उसमें भी टोटल यूनिट्स हैं 6. और फर्स्ट यूनिट है आपका थर्मल पावर स्टेशन, जिसके मेजर लर्निंग आउटकम्स आपके सामने हैं सेकंड कॉलम में. थर्ड कॉलम में है टॉपिक्स एंड सब टॉपिक्स, जो है एनर्जी कन्वर्जन प्रोसेस फॉर थर्मल पावर स्टेशन विथ प्लांट लेआउट, सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर साइट ऑफ थर्मल पावर स्टेशन, लाइन डायग्राम ऑफ थर्मल पावर स्टेशन, डिफरेंट साइकल्स ऑफ TPS, मेजर इक्विपमेंट एंड ऑक्सिलरीज ऑफ TPS, इंक्लूडिंग बॉयलर, स्टीम टर्बाइन, टर्बो जनरेटर, सुपर हीटर, इकोनोमाइजर एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, लोड कर्व एंड लोड ड्यूरेशन कर्व, बेस लोड एंड पीक लोड पावर प्लांट्स, सेफ प्रैक्टिसेस फॉर TPS, पॉल्यूशन जनरेटेड बाय थर्मल पावर स्टेशन एंड मेथड्स टू रिड्यूस देम, प्रिंसिपल ऑफ चिमनी एंड कंसेप्ट ऑफ ड्रोट, मेजर TPS इन गुजरात. यूनिट 2 है हाइड्रो पावर स्टेशन, जिसके मेजर लर्निंग आउटकम्स आपको सेकेंड कॉलम में दिख रहेंगे और उसके टॉपिक्स एंड सब टॉपिक्स हैं एनर्जी कन्वर्जन प्रोसेस फॉर हाइड्रो पावर स्टेशन विथ प्लांट लेआउट, सिलेक्शन ऑफ साइट फॉर HPS साइट, HPS मीन्स हाइड्रो पावर स्टेशन, मेजर फीचर्स ऑफ HPS, क्लासिफिकेशन ऑफ HPS बेस्ड ऑन हेड स्टोरेज एंड पॉन्डेज, प्लांट लेआउट, टाइप्स ऑफ हाइड्रो टर्बाइन्स, ऑक्सिलरीज, सेफ प्रैक्टिसेस फॉर HPS, डिफरेंस बिटवीन जनरेटर्स फॉर थर्मल प्लांट एंड हाइड्रो प्लांट्स, एडवांटेजेस ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट्स एंड देयर इफेक्ट ऑन इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट, हाइड्रो पावर स्टेशंस इन गुजरात. और थर्ड यूनिट आपका है न्यूक्लियर पावर स्टेशंस, जिसके मेजर लर्निंग आउटकम्स आपके सामने सेकंड कॉलम में है और टॉपिक्स एंड सब टॉपिक्स हैं एनर्जी कन्वर्जन प्रोसेस फॉर NPS, NPS फॉर न्यूक्लियर पावर स्टेशन, न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फ्यूजन चेन रिएक्शन, सिलेक्शन ऑफ साइट फॉर NPS, वर्किंग ऑफ न्यूक्लियर पावर स्टेशन, वेरियस टाइप्स ऑफ रिएक्टर्स, स्पेशल प्रिकॉशंस फॉर NPS, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ NPS न्यूक्लियर पावर स्टेशंस इन गुजरात. फोर्थ आपका जो यूनिट है वो है सोलार पावर प्लांट, जिसके मेजर लर्निंग आउटकम्स आपको सेकेंड कॉलम में दिखेंगे. टॉपिक्स एंड सब टॉपिक्स हैं सोलार कॉन्स्टेंट्स, मेजरमेंट ऑफ सोलार रेडिएशंस, लार्ज मोर देन 1 MW सोलार फोटोवोल्टेइक एंड कंसेंट्रेटेड सोलार पावर सोलार प्लांट्स इन गुजरात, सोलार एनर्जी कन्वर्जन ऑफ CSP मीन्स कंसेंट्रेटेड सोलार पावर, CPS जनरेटर्स, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन ऑफ सोलार PV सिस्टम्स, सोलार सेल मॉड्यूल पैनल एंड एरे, टाइप्स ऑफ सोलार PV सिस्टम, स्टैंड अलोन ग्रिड टाइड हाइब्रिड सिस्टम, सेफ्टी प्रिकॉशंस ऑफ सोलार PV सिस्टम्स. यूनिट 5 है विंड पावर प्लांट, जिसके मेजर लर्निंग आउटकम्स आपके सामने सेकंड कॉलम में बताए हुए हैं और थर्ड कॉलम में आपको टॉपिक्स एंड सब टॉपिक्स दिए हुए हैं, जो है कुछ एनीमोमीटर, विंड वेन, साइट सिलेक्शन, पावर ऑफ द विंड, पावर कर्व ऑफ विंड टर्बाइंस, लार्ज विंड फार्म्स इन गुजरात, सेफ्टी प्रिकॉशंस टू बी टेकन ड्यूरिंग द रूटीन मेंटेनेंस ऑफ लार्ज एंड स्मॉल विंड टर्बाइंस, HAWT, VAWT, हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टर्बाइन एंड वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइन.
डाउनविंड एंड अपविंड विंड टर्बाइंस, गियर्ड विंड पावर प्लांट्स, डायरेक्ट ड्राइव WPPs एंड हाइब्रिड WPPs. WPP मीन्स विंड पावर प्लांट. स्टॉल कंट्रोल, पिच कंट्रोल एंड एक्टिव टॉल कंट्रोल ऑफ WPPs. स्क्विरल केज इंडक्शन जनरेटर्स, वाउंड रोटर, डबली फेड वाउंड रोटर सिंक्रोनस जनरेटर, परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस जनरेटर, डायरेक्ट ड्राइव एंड गियर्ड स्मॉल विंड टर्बाइंस, ड्रैग एंड लिफ्ट प्रिंसिपल ऑफ रोटेशन ऑफ विंड टर्बाइन रोटर्स. और लास्ट यूनिट है आपका कैप्टिव पावर प्लांट, जिसके मेजर आउटकम्स आपको सेकेंड कॉलम में दिखेंगे. यूनिट का नाम है कैप्टिव पावर प्लांट एंड अदर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस, जिसके टॉपिक्स एंड सब टॉपिक्स हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्जन ऑफ डीजी सेट्स, एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्जन ऑफ गैस बेस्ड पावर प्लांट्स, एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्जन ऑफ बायोमास एनर्जी, एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्जन ऑफ ओशन टेक्नोलॉजीज, टाइडल वेव, ओशन करंट, ओशन एनर्जी थर्मल कन्वर्जन, एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्जन ऑफ जियोथर्मल एनर्जी, एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस. तो यहाँ पे ये टॉपिक और सब टॉपिक्स हो गए. नेक्स्ट आपके सामने ये यहाँ पे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, 6-6 यूनिट के मार्क डिस्ट्रीब्यूशन, जिससे टोटल 70 मार्क का आपका GTU का क्वेश्चन पेपर बन सकता है. जिससे फर्स्ट थर्मल पावर स्टेशन का वेटेज है 14 मार्क्स का, हाइड्रो पावर स्टेशन का है 12 मार्क्स का, न्यूक्लियर पावर स्टेशन 8 मार्क्स, सोलार पावर प्लांट 12 मार्क्स, विंड पावर प्लांट 12 मार्क्स, कैप्टिव पावर प्लांट एंड अदर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस जो है 12 मार्क्स, टोटल आपके हुए 70 मार्क्स. और उसको भी यहाँ पे आर यू और ए, आर फॉर रिमेंबर, यू फॉर अंडरस्टैंड एंड ए फॉर अप्लाई, इस कैटेगरी में आपको डिस्ट्रीब्यूशन दिखेगा. नेक्स्ट सजेस्टेड लिस्ट ऑफ ट्यूटोरियल एक्सरसाइज दी हुई है और कुछ प्रैक्टिकल्स जो आप कर सकते हैं पर्टिकुलर यूनिट को और अच्छे से समझने के लिए. सजेस्टेड लिस्ट ऑफ स्टूडेंट एक्टिविटीज दी हुई है, रेफरेंस बुक का यहाँ पे लिस्ट मिल जाएगा, लिस्ट ऑफ मेजर इक्विपमेंट विथ स्पेसिफिकेशंस, लिस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर लर्निंग वेबसाइट्स आपको मिलेगी. तो ये हुआ आपका फोर्थ सब्जेक्ट इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन. नेक्स्ट आपका सब्जेक्ट है दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एंड सर्किट्स, जिसका कोर्स कोड है 3330905. उस पर क्लिक करेंगे तो हमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एंड सर्किट्स का करिकुलम दिखेगा. तो उसका इंपॉर्टेंस क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स इज बिकमिंग अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स इन द इंडस्ट्री पावर सिस्टम एंड हेंस इट हैज बिकम एसेंशियल फॉर एन इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा इंजीनियर टू हैव फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूज ऑफ वेरियस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट्स. दिस कोर्स देयरफॉर डिस्कसेस अबाउट द कंस्ट्रक्शन, वर्किंग एंड एप्लीकेशंस ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर कंपोनेंट्स सच एज डायोड्स एंड ट्रांजिस्टर्स विच आर बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एम्पलीफायर, ऑसिलेटर, स्विचिंग सर्किट, वेव शेपिंग सर्किट एंड पावर सप्लाई. द स्किल्स डेवलप्ड इन दिस कोर्स आर ऑल्सो एसेंशियल फॉर कंप्रीहेंडिंग द एडवांस्ड कोर्सेज इन द लेटर सेमेस्टर्स. तो स्टूडेंट्स, ये कोर्स आपका इलेक्ट्रॉनिक्स साइड से कोर्स है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है. आगे जो आप पावर इलेक्ट्रॉनिक्स फिफ्थ सेमेस्टर में पढ़ने वाले हो, उसका बेसिक फंडामेंटल यहाँ पे आपको मिलेगा. नेक्स्ट पर्टिकुलर इस सब्जेक्ट की टीचिंग स्कीम बताई हुई है और कोर्स डिटेल्स. इसमें टोटल यूनिट्स हैं आपके 5 और फर्स्ट यूनिट जिसका नाम है सेमीकंडक्टर डायोड एंड इट्स एप्लीकेशंस, जिसके मेजर लर्निंग आउटकम्स आपको सेकेंड कॉलम में दिखेंगे. आप पोज करके मेजर लर्निंग आउटकम्स रीड कर सकते हो. ये वो है जो ऐसे कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे मिलेंगे जिसके आंसर आप इस पर्टिकुलर यूनिट के स्टडी करने के बाद दे सकते हो.
टॉपिक्स एंड सब टॉपिक्स हैं कुछ, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल्स, पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर्स, पीएन जंक्शन डायोड, एप्लीकेशंस, डायोड एज रेक्टिफायर, हाफ वेव, फुल वेव एंड ब्रिज रेक्टिफायर, नीड ऑफ फिल्टर्स, सी एल एल सी पाई फिल्टर्स। यूनिट 2 का नाम है ट्रांजिस्टर्स, वोल्टेज एंड पावर एम्पलीफायर्स, जिसमें मेजर लर्निंग आउटकम्स आपको सेकेंड कॉलम में पाए दिखेंगे, और उसके टॉपिक्स एंड सब टॉपिक्स हैं पीएनपी एंड एनपीएन ट्रांजिस्टर्स, कंडक्शन थ्रू ट्रांजिस्टर लीकेज करंट, रिलेशनशिप बिटवीन अल्फा एंड बीटा, ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर सीबी सीई सीसी, सीबी फॉर कॉमन बेस, सीई फॉर कॉमन एमिटर एंड सीसी फॉर कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, लोड लाइन एंड बायसिंग मेथड्स ऑफ ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर इज एन एम्पलीफायर, सीई एम्पलीफायर, कॉमन एमिटर एम्पलीफायर, कास्केड एम्पलीफायर्स, पावर एम्पलीफायर्स, क्लास ए एम्पलीफायर, सीरीज फेड एंड ट्रांसफॉर्मर कपल्ड एम्पलीफायर, क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर ऑपरेशन, एम्पलीफायर डिस्टॉर्शन। तो यहाँ पे सेकेंड यूनिट ट्रांजिस्टर्स, वोल्टेज एंड पावर एम्पलीफायर्स हो गया। थर्ड यूनिट है हमारा ऑसिलेटर्स एंड अदर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, जिसके मेजर लर्निंग आउटकम आपके सामने सेकेंड कॉलम में है, जो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। इसमें टॉपिक्स और सब टॉपिक्स कवर होंगे, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ऑसिलेटर्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑसिलेटर्स, हार्टले ऑसिलेटर, कोलपिट्स ऑसिलेटर, फेज शिफ्ट ऑसिलेटर, वेन ब्रिज ऑसिलेटर, क्रिस्टल ऑसिलेटर, जिनर डायोड, फोटो डायोड, LDR, फोटोवोल्टेइक सेल, लाइट एमिटिंग डायोड, FET, MOSFET, डायक, UJT, ट्रायक एंड SCR। यूनिट 4 है सिंपल सर्किट यूजिंग IC, जिसके मेजर लर्निंग आउटकम्स आपको सेकेंड कॉलम में दिखेंगे। थर्ड कॉलम में है टॉपिक्स एंड सब टॉपिक्स, जो है कुछ नीड ऑफ IC, आईसी फॉर इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ऑपरेशनल एम्पलीफायर ओपेम, कैरेक्टरिस्टिक एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ ओपेम IC741, IC555 टाइमर एंड एप्लीकेशंस, ब्लॉक डायग्राम ऑफ IC555 टाइमर। और लास्ट यूनिट आपका है रेगुलेटेड पावर सप्लाईज, जिसके मेजर लर्निंग आउटकम्स आपको सेकेंड कॉलम में देखेंगे। टॉपिक्स एंड सब टॉपिक्स हैं रेगुलेटेड पावर सप्लाई मॉड्यूल लेवल, शंट वोल्टेज रेगुलेटर मॉड्यूल लेवल, ट्रांजिस्टराइज्ड सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर बेसिक एंड विथ फीडबैक विदाउट डेरिवेशन, थ्री टर्मिनल फिक्स्ड ऑब्लिक वेरिएबल वोल्टेज रेगुलेटर 78 सीरीज, 79 सीरीज, LM317, स्विच मोड पावर सप्लाई एंड अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। तो यहाँ पे यूनिट्स, उसके टॉपिक्स और सब टॉपिक्स के बारे में चर्चा की हमने। नेक्स्ट आपको जो टेबल दिख रहा है, जिसमें हर एक यूनिट के मार्क डिस्ट्रीब्यूशन को बताया गया है, जिससे कि GTU का 70 मार्क का पेपर बन सकता है। इसमें फर्स्ट आपका यूनिट है सेमीकंडक्टर डायोड एंड इट्स एप्लीकेशंस, जिसका वेटेज होगा 15 मार्क्स का, ट्रांजिस्टर्स, वोल्टेज एंड पावर एम्पलीफायर्स, जिसका वेटेज होगा 18 मार्क्स का, ऑसिलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, जिसका वेटेज होगा 22 मार्क्स का, सिंपल सर्किट यूजिंग आईसी, जिसका वेटेज होगा 7 मार्क्स का, लास्ट रेगुलेटेड पावर सप्लाईज, जिसका वेटेज होगा 8 मार्क्स का। तो टोटल यहाँ पे 70 मार्क का डिस्ट्रीब्यूशन, और उसको भी आप आर लेवल, यू लेवल, ए लेवल, आर मीन्स रिमेंबर, सिर्फ आपको याद रखने हैं, यू जो आपको समझने हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल पे, और ए यानी अप्लाई कर सकते हो। इस अलग अलग स्किल पे बेस्ड आपको मार्क डिस्ट्रीब्यूशन भी दिखेगा। यहाँ पे कुछ सजेस्टेड लिस्ट ऑफ एक्सरसाइजेस प्रैक्टिकल्स दिए गए हैं, और उनके साथ उनके पर्टिकुलर यूनिट नंबर बताए हैं, जिससे कि आप उस पर्टिकुलर यूनिट को और अच्छे से प्रैक्टिकली समझ सकते हो। सजेस्टेड लिस्ट ऑफ स्टूडेंट एक्टिविटीज हैं यहाँ पे, और कुछ रेफरेंस बुक भी बताई हुई है, कुछ मेजर इक्विपमेंट विथ स्पेसिफिकेशन बताए हुए हैं, लिस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर लर्निंग वेबसाइट्स यहाँ पे दी हुई है।
सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने देखा आपके GTU थर्ड सेमेस्टर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सारे सब्जेक्ट का कोर्स करिकुलम सिलेबस। थैंक यू।